भले ही चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं की हो, लेकिन चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। अब तक जहां दो पार्टियों में चुनावी मुकाबला हुआ करता था, उस रण में अब तीसरी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के उतरने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन गुजरात के इस चुनावी रण की कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिसमें करीब दो दशक की सत्ता के बाद भी बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है, तो वही कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस भी कभी अपना खाता नहीं खोल पाई। या यूं कहें कि गुजरात में सत्ता भले ही बीजेपी की हो, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो बीजेपी को गुजरात की सत्ता पर काबिज होते नहीं देखना चाहती है, या फिर बीजेपी इन सीटों पर अपना ध्यान ही नहीं देना चाहती, क्योंकि गुजरात की 182 सीटों में से 27 सीट अनुसूचित जनजाति और 13 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगर इन आरक्षित सीटों को मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन 40 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस कुंडली मार कर बैठी है, और इसका कारण है कि बीजेपी ने आज तक इन सीटों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि गुजरात की जिन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है उनमें से ज्यादातर सीटें सामान्य श्रेणी में आती हैं और बीजेपी आरक्षित सीटों की तरफ ध्यान ही नहीं देती। लेकिन इस बार गुजरात में चुनावी हवा तीसरी दिशा से भी बहने वाली है, यानी आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री के साथ ही वो चाहेंगे कि सबसे पहले आरक्षित सीटों पर कब्जा किया जाए और बाद में बीजेपी के कब्जे वाली सीटों पर। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के हरिजन आदिवासी और मुसलमानों पर अपना प्रभाव जमाना चाहती है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपना रुख उन आदिवासी इलाकों की ओर कर लिया है जिधर वो पिछले 1.5 दशक से नहीं, और यही वजह है कि बीजेपी ने पिछले दिनों जिन 5 गुजरात गौरव यात्रा को रवाना किया, उन मार्गों के चयन में आदिवासी बहुल इलाकों का विशेष ध्यान रखा गया ताकि इस बार आरक्षित सीटों पर भी मोदी रंग चढ़ सके। लेकिन आपकी गुजरात में एंट्री के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।